बोलती गुफा। एक समय की बात है, एक शेर काफी समय से भूखा था। बड़ी देर बाद उसने एक जानवर का पीछा किया, लेकिन अफसोस वो भी उसके हाथों से निकल गया। शेर अब बहुत थक चुका था। कोई शिकार न मिलने के कारण बहुत निराश होकर वो जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने एक गुफा देखी। शेर आराम करने के लिए गुफा के अंदर गया। उसने सोचा, शायद कोई जानवर अंदर हो तो उसे अपना शिकार बना लेगा। अंदर जाने पर शेर ने देखा कि गुफा तो खाली थी। वो अंदर रुक गया और बड़ी बेसब्री से किसी जानवर के आने का इंतजार करने लगा। वो गुफा एक लोमड़ी की थी जो बाहर गया था। जब लोमड़ी वापस आया तो उसने देखा कि गुफा के बाहर किसी जानवर के पैरों के निशान थे जो गुफा के अंदर जा रहे थे। लोमड़ी सोच में पड़ गया। अरे, ये किसके पैरों के निशान हैं? लगता है शेर के हैं। अरे बाप रे, अगर मैं अंदर गया तो वो मुझे मार डालेगा। लेकिन लोमड़ी भी बड़ा होशियार था। उसने गुफा की ओर देखकर जोर से आवाज दी। गुफा, ओ गुफा। गुफा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ओ गुफा, कुछ तो बोलो। गुफा फिर भी खामोश रही। अरे गुफा, आज मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या हुआ? गुफा की ओर से कुछ जवाब नहीं मिला। देखो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं वापस चला जाऊंगा, देखना। मूर्ख शेर ने सोचा, शायद ये गुफा हमेशा लोमड़ी के साथ बातें करती है। चलो, मैं ही उसकी जगह पे जवाब देता हूँ, फिर लोमड़ी अंदर आएगा और मुझे पेट भर के खाना मिलेगा। ये सोचकर शेर ने आवाज दी। मेरे प्यारे लोमड़ी, ये तो मजाक था। अंदर कोई नहीं है, आराम से अंदर चले आओ। लोमड़ी समझ गया कि ये तो शेर की आवाज है। वो सावधान होकर बोला, अरे ओ शेर, मुझे मूर्ख समझ रखा है क्या? मैं क्या पागल हूँ जो अंदर आकर तुम्हारा भोजन बन जाऊं? मैं तो चला, तुम भी चले जाओ, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। ये कहकर लोमड़ी वहां से चला गया और मूर्ख शेर हाथ मलते रह गया। सावधानी और होशियारी हर मुश्किल में काम आती है। घमंडी हाथी। एक काले जामुन के पेड़ पर एक चिड़ियों की जोड़ी रहती थी। उन्होंने पेड़ पर एक घोंसला बनाया था और वे बड़े खुशी से रहते थे। कुछ दिनों बाद चिड़िया ने अंडे डाले। अंडों से वे बड़े खुश हो गए और बड़ी बेसब्री से अपने बच्चों के आने का इंतजार करने लगे। एक दिन एक बड़ा हाथी घूमते घूमते उस जामुन के पेड़ के पास आया। उसे वे पत्ते बहुत पसंद थे। उस पेड़ की डाली खींचने के लिए हाथी ने अपनी सूंड ऊंची उठाई। ये देखकर चिड़ियों की जोड़ी जोर से चिल्लाने लगी। ओ हाथी महाराज, हम पर दया कीजिए, इस डाली को मत खींचिए। हमारा घोंसला यहाँ पर है, उसमें हमारे अंडे भी है। हम बच्चों का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आप इस पेड़ को हिलाओगे तो हमारा घोंसला गिर जाएगा, सब अंडे फूट जाएंगे। हम पर दया करो हाथी महाराज। घमंडी हाथी ने उनकी परवाह नहीं की। मुझे क्या लेना देना तुम्हारे अंडों से, मुझे परवाह नहीं, मुझे तो बस खाना है। ये कहकर हाथी ने डाली खींची और फिर जैसा सोचा वैसा ही हुआ। घोंसला नीचे गिर गया और सारे अंडे टूट गए। चिड़ियों को बहुत दुख हुआ, वे खूब रोए। घमंडी हाथी पत्ते खाकर वहां से निकल गया। चिड़ियों की जोड़ी को अब बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बदला लेने का फैसला किया। वे रोते रोते अपने मित्रों के पास सहायता मांगने निकल पड़े। उस घमंडी हाथी ने हमारे अंडों को तोड़ दिया। उनका रोना सुनकर कौवा, मेंढक, चींटी सभी उस जोड़ी को दिलासा देने लगे। कौवे ने समझाया, रोना मत, उस घमंडी हाथी को अच्छा सबक सिखाएंगे। सभी मिलकर उस घमंडी हाथी को सबक सिखाने की तरकीब सोचने लगे। दूसरे दिन चिड़िया और उनके मित्र उस हाथी की खोज में निकल पड़े। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा।
हाथी को देखते ही उन्होंने हमला बोल दिया। चींटी ने हाथी के कान में घुसकर कुरेदना शुरू किया। लगातार कुरेदने के कारण हाथी चक्कर खाके गिर पड़ा। अब कौओं की बारी थी। वे पेड़ की डाली से तेजी से उड़कर नीचे आए। हाथी की दोनों आंखें अपनी चोंच से मार मार कर फोड़ डाली और उसे अंधा बना दिया। इस अचानक हमले से हाथी घबरा गया। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगा। उसका गला सूख गया। अपनी अंधी आंखों से वो पानी के लिए तालाब की ओर दौड़ने लगा। अब मेंढक आगे बढ़ा। मेंढक एक बड़े से गड्ढे के पास बैठकर जोर से चिल्लाने लगा। मेंढक की आवाज सुनकर हाथी ने अंदाजा लगाया कि तालाब वही पास में होगा। हाथी उस आवाज की दिशा में जाने लगा और अगले ही क्षण हाथी गड्ढे में गिरकर मर गया। चिड़ियों की जोड़ी ने अपने दोस्तों की सहायता से उस घमंडी हाथी से बदला ले लिया। होशियारी और साहस ताकत से महत्वपूर्ण हैं। मूर्ख गधा। किसी समय की बात है, जंगल का राजा शेर एक हाथी के साथ लड़ाई के दौरान बुरी तरह घायल हुआ। घायल शेर शिकार नहीं कर पा रहा था और भूखा रहने लगा। शेर का मंत्री एक चतुर लोमड़ी था। शेर के शिकार न करने के कारण लोमड़ी को भी भूखा रहना पड़ता था। एक दिन, महाराज हम दोनों भूखे हैं, आप तो शिकार नहीं कर पा रहे, अगर कुछ दिन ऐसा ही चला तो हम दोनों भूखे मर जाएंगे। तुम तो जानते हो मंत्री, इस घायल शरीर से मैं शिकार नहीं कर पाऊंगा। तुम ऐसा करो, कैसे भी फुसला कर किसी जानवर को यहाँ ले आओ, यहाँ मैं उसे आसानी से मार सकता हूँ, तब हम जी भर के भोजन करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ महाराज। लोमड़ी वहां से किसी जानवर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर उसने एक मोटे गधे को देखा। लोमड़ी की आंखें चमक उठी। वो गधे के पास गया। कैसे हो दोस्त, बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ तुम्हें। अरे तुम इतने दुबले पतले कैसे हो गए? क्या कहूँ दोस्त, देखो कैसे सिकुड़ गया हूँ। मेरा मालिक काम तो खूब करवाता है पर मुझे खाने को इतना सा ही देता है। अरे रे 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 रे, मुझे तुम पर बड़ी दया आ रही है। मेरे साथ जंगल क्यों नहीं चलते? हमारा राजा बहुत दयालु है। हाँ, और दरबार में एक मंत्री की जगह भी खाली है। तुम तो जंगल की शान बनोगे। हाँ सच, मगर मैं रहा गांव का पालतू जानवर, मैं भला जंगली जानवरों के बीच कैसे रह पाऊंगा? अरे चिंता मत करो, सब मुझ पर छोड़ दो, चलो तो सही। बेचारा गधा चतुर लोमड़ी की बातों में आकर जंगल में जाने के लिए राजी हो गया। लोमड़ी गधे को सीधा शेर के पास ले गया। ऐसे मोटे गधे को देखकर शेर से रहा नहीं गया। गधा पूरी तरह पास आने से पहले ही उसने छलांग लगाई और गधे पे टूट पड़ा। शेर का निशाना चूक गया और डर कर गधा पलटा। जान बचा के गधा वहां से भाग निकला। शेर की जल्दबाजी के कारण एक अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। लोमड़ी नाराज हो गया। शेर को भी दुख हुआ, लेकिन क्या करता। ये मेरी गलती है मंत्री, तुम जाकर फिर से उसे लाने की कोशिश करो। लोमड़ी फिर से गधे की खोज में निकला। गधे को मिलते ही लोमड़ी ने आश्चर्य व्यक्त किया। प्यारे दोस्त, क्या हुआ, तुम भाग क्यों गए? शेर महाराज तो बड़े खुश हुए थे, तुम्हारा स्वागत करने के लिए गले मिलना चाहते थे। मूर्ख गधा फिर से लोमड़ी की बातों में आ गया। फिर से शेर से मिलने लोमड़ी के साथ चल पड़ा। इस बार शेर बहुत ही सावधान था। उसने गधे के पास आने का इंतजार किया और फिर एक जोर से छलांग लगाई। लोमड़ी और शेर खुश हुए और बेचारा गधा शेर का शिकार बन गया। शेर ने गधे को खाना शुरू ही किया था, इतने में, महाराज मैं जानता हूँ आप बहुत भूखे हो,
परंतु खाने से पहले आपको स्नान कर लेना चाहिए। शेर को ये विचार अच्छा लगा। बहुत दिनों से उसने स्नान भी नहीं किया था। शेर स्नान करने नदी की ओर चल पड़ा। जैसे ही शेर वहां से चला गया, लोमड़ी ने झट से गधे के दिमाग को खा लिया। शेर वापस आया। उसने गधे के दिमाग को खोजना शुरू किया। शेर को गधे का दिमाग बहुत पसंद था। जब दिमाग नजर नहीं आया तो शेर ने दहाड़ लगाई। इसका दिमाग कहाँ है मंत्री? कहीं तुमने तो नहीं खाया? नहीं नहीं महाराज, मैं ये अपराध कैसे कर सकता हूँ? आपको पता नहीं, गधों को तो दिमाग होता ही नहीं। अगर उसे दिमाग होता तो क्या एक बार छूटने के बाद वो यहाँ वापस आता? शेर ने लोमड़ी की बातों को सच समझा और खुशी से खाना खाया। दुश्मन की बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए।